और आप आराम से बैठ के अपनी स्टडी कर सकें सेकेंड है मोस्ट इंपोर्टेंट, बिकॉज हम रिवाइज करते चीजों हमें अच्छे से जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें अच्छे से लर्न होता है जैसे आप मैं आप एग्जाम्पल लेती, हूँ जैसे आपने सुबह मैथ की कोई एक्सरसाइज करी एल्जैब्रा हो या फिर प्रैक्टिकल जोमेट्री जो भी आपका चैप्टर है आपने उसको इसकी एक्सरसाइज़ करी तो आप उसको शाम को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए फिर तो आउट कर लीजिए कि आपको अच्छे से अपनी आपकी ब्रेन को याद हो जाए वो सब कुछ तो रिवाइज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैथ में तो बिना रिवाइज या बिना प्रैक्टिस के आप पढ़ ही नहीं सकते हैं तो रिवाइज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माई थर्ड है कि टेक ब्रेक बिकॉज जब ब्रेक लेते हैं आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह को ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब ब्रेक लेते हैं तो आपको ब्रेन को एक थोड़ा टाइम मिल जाता है थोड़ा शांत होने का और आपके आईजीज़ को भी बहुत अच्छा रहता है वो जिससे आप ब्रेक लेके पढ़ेंगे बीच बीच में आप ले सकते समथिंग टेन टू फिफ्टीन मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक से हमें और अच्छी चीज़ें समझ आती हैं सो तो आप ब्रेक ज़रूर लें जब भी आप अपनी स्टडी कर जैसे आपने अपने दो घंटे का कॉन्सेप्ट बनाया तो आप आधे या फिर फोर्टी फाइव मिनट्स एक पंद्रह मिनट का ब्रेक ले लीजिए फिफ्टीन मिनट्स का उसके बाद तो वापस अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए माय फोर्थ है कि सिट इन कंफर्टेबल प्लेस बिकॉज हम जब भी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठेंगे तो हमें हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा हमारे बॉडी के लिए भी सही रहेगा कि वो काम जगह बैठ के अपनी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है ब्रेन बट मैं आपको बता दूँ कभी भी बैड पे बैठ कर स्टडी नहीं करनी है बिल्कुल बिकॉज़ बैड इस ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है जो हमें ढंग से स्टडी में फ़ायदा नहीं देता है और बल्कि हमें इसको नींद और आएगी हम उस बैठ कर पढ़ेंगे आप उनको स्ट्रेट जगह पर बैठ के पढ़ना जैसे कि आप पढ़ सकते हैं आप चेयर बैठ के टेबल पे पढ़ सकते हैं बिकॉज वो बिल्कुल आपको कंफर्टेबल भी रहेगा आगे पढ़ाई के लिए मच बैठा रहेगा सो so ये था मेरा फोर्थ हैक है अपने फिफ्थ हैक पे लास्ट है स्टडी इन मॉर्निंग मॉर्निंग बिकॉज हमें में स्टडी इसलिए करनी चाहिए बिकॉज जो भी हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं वो अच्छे से हमें लर्न रहता है बिकॉज मॉर्निंग में हमारा बिल्कुल ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है जिसकी वजह से हमें हर चीज जल्दी और हमेशा के लिए याद हो जाती है और ये साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए जितना हमें रात का याद नहीं रहता हम इस मॉर्निंग का याद रहता है अपने एग्जाम टाइम पर मॉर्निंग पढ़ सकते इंग्लिश को एग्जाम में तो मॉर्निंग जल्दी उठ के थोड़ा इंग्लिश का मैंने पढ़ लीजिए तो आपको एग्जाम में ज़्यादा वो याद रहेगा तो जैसे आपको इसलिए आपको मॉर्निंग पढ़ना चाहिए और आपको ये हैक अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आप इसको अपनी लाइफ में यूज करने वाले तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना सो दिस इज माई टूडेज वीडियो लाइक दिस वीडियो चैनल सब्सक्राइब सो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय